बुलाते हो, आप लोग बुलाते हो, सोचते हो कि आप अपनी बात कह रहे हो, यहाँ से भी आपका फायदा उठा ले जाते, आपको ठग के ले जाते हैं। आप तो सोच लिया कि आपने तो बड़ी सुनाई इसको और सुनना पड़ा उसको, वो भी जाके इन कैश कर लेता है, अपनी पार्टी से कहता है देखो हमारा स्वागत हुआ है। तो इनसे 1% उम्मीद मत करना। 5 साल मैंने पार्लियामेंट में देखा है, गुजरात का हाई कोर्ट के जज ने गुजरात के हाई कोर्ट के जज फर्दीवाल ने कहा कि रिजर्वेशन से और भ्रष्टाचार से देश बर्बाद करना, बाद में सवाल करना, ये जजमेंट जजमेंट का हिस्सा है। उसका हमने पार्लियामेंट में जब पहले बार उठाया तो पार्लियामेंट में क्या होता सिस्टम होता, मान लो कोई अच्छा क्वेश्चन उठा तो दूसरा पार्लियामेंट दूसरा मेंबर जो एसोसिएट करता है, ये सिर्फ का एसोसिएट नहीं किया, जनरल वालों ने किया, ये सिर्फ का ने नहीं किया, और अल्टीमेटली जब दो बार किया तो उसको एक्सपल्स करना पड़ा, एक कम मतलब घातक बात नहीं थी। तो मैं आपसे आग्रह यही कहूंगा, चाहे आपकी जो मर्जी जो करना हो कर सकते हो, पार्लियामेंटेरियंस का दिमाग से अपने निकाल दीजिए, आपके पास भी आएंगे तो आपको भी आपका भी फायदा उठा ले जाएंगे। ये हम खुद अंदर से देखा है, बाकी आपकी मर्जी तो कर सकते हो। दूसरी बात है जो हमारे अंदर जातिवाद है, उपजातिवाद है, अब नहीं खत्म हो कर पाओगे तो मर जाओ। 2014 से कोई भर्ती नहीं हो रही है, बीपीसीएल बेचा जा रहा है, सेल बेचा जा रहा है, बीएसएनएल बेचा जा रहा है, सब कुछ बेचा जा रहा है, और आईएम अहमदाबाद में रिजर्वेशन समाप्त हो गया है, आईआईटी के 4 गुना फीस प्रपोज हुई है, हम वहां पढ़ नहीं पाएंगे। अगर हो सके तो भीड़ के ही जरिए आप कोई जवाब दे सकते हैं, न मेरे लिखने से, न मेरे बोलने से, न किसी इंटेलेक्चुअल डिबेट से, या सब बीजेपी को नहीं समझ में आ पाए। जैसे तो अप्रैल 2018 को बात समझ में आई है, वही एक तरीका है, बाकी आपके ऊपर मर्जी है। इमोशनल इश्यूज कुछ जो हमारे बीच में आ रहे हैं, लोग वहाँ भाग जाते हैं, अगर 2-4 ऐसे सुनियोजित ढंग से बीजेपी आरएसएस ने इमोशनल इशू दे दिया, मंदिर दे दिया, या जन्मदिन दे दिया, मूर्ति तोड़ दिया, तो हमारा समाज उधर इकट्ठा होता जाएगा, तब तक ये सारा लूट ले जाएंगे। आपका ये जो रेलवे का भी नहीं कर हो रहा, ये जान करके किया जा रहा है, क्राउड ही आपकी ताकत है, भीड़ ही आपकी ताकत है, ना मैं ताकत हूँ, ना आप ताकत है, कोई ताकत नहीं है उसके अलावा कुछ नहीं। जाट जब हरियाणा में बंद करती है तो रिजर्वेशन मिला, और जब दलित 2 अप्रैल 2018 को आए तो दोनों का, उसके अलावा कोई 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 हमें नहीं। हमारी जो सोशल कैपिटल है, इंटेलेक्चुअल कैपिटल है, आरएसएस उसे खत्म कर रहा है। सोशल कैपिटल इंटेलेक्चुअल कैपिटल ये है कि जो थिंकिंग माइंड है, जिसने रिजर्वेशन मिला, उनमें पढ़ाई लिखाई आई ओबीसी में नहीं, जिस बारे रिजर्वेशन समाप्त कर देंगे उस दिन थिंकिंग माइंड बोलने वाला माइंड नहीं रह जाएगा, तब हम गुलामी में पहुंच गए पुराने समय में, तब तो आपका ये हो सकता है। दूसरी बात है, अभी लोग कहते हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान का एक अंग उड़ा दिया गया है, और बहुजन राजनीति बहुजन समझदारी कहाँ थी जब 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि जज ही जज की नियुक्ति करेंगे, तो उसी दिन से एक अंग सरकार के जो 3 अंग होते, एक अंग बिल ऑफ द पावर बिल ऑफ द पीपुल से निकल गई। आज आप जुडिशरी से कोई उम्मीद कर सकते हो? आप वकीलों की यहाँ बात कर रहे हैं, हमारे कितना भी बड़ा वकील जाए हमारा, 1 मिनट में पासान कर देते बल्कि हड़काते हैं। तो भैया जब तक उसमें रिजर्वेशन नहीं होगा जुडिशरी में, आपके चाहे जितने एडवोकेट खड़े हो जाए, आप 2 अप्रैल 2018 में इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पीछे होगा कि गवर्नमेंट का प्रेशर है। मैं कुछ बातें कहना नहीं चाहता, एक भी जज इस समय सुप्रीम कोर्ट में नहीं है जो सरकार के बाहर जा सकता है, एक भी नहीं है जो बाहर जा सकता। किससे आर्गुमेंट करा लोगे भाई आप? किससे कितना आर्गुमेंट करा लोगे?
सीधा एक ही है मास मूवमेंट, अगर आप कर सकते हो तो करो, बाकी सब कुछ आपके हाथ से लगभग निकल चुका है, आधा से ज्यादा निकल चुका है। बस इतने हमारा सुझाव है, ईवीएम के खिलाफ संविधान बचाने के लिए निजी क्षेत्र में आरक्षण, ये जो अभी जो बिक रहा है बीपीसीएल बिकर बेच रहे हैं, जो 35,000 करोड़ जिसने 5 साल में प्रॉफिट दिया और उसको 65,000 करोड़ से बेच रहे, आपका रिजर्वेशन बेच रहे, हर जगह आपका रिजर्वेशन बेच रहे, आपके ये जनरेशन पूरी आधा जनरेशन खराब हो चुकी, जो पढ़े लिखे हैं कहीं से रिक्रूटमेंट नहीं है। हमने ये मेरा ही नहीं, मैं अपने तरफ से ही आह्वान नहीं कर रहा हूँ, सबके तरफ से है, 1 दिसंबर को रामलीला मैदान में, किसी एक का नहीं, अगर 1,00,000 लोग 2,00,000 4,00,000 लोग जनरल के लोग भी आ जाए, क्योंकि बेरोजगारी है, जैसे BSNL का डिस इन्वेस्टमेंट हो रहा, बेचा जा रहा, जब बड़ी संख्या में दिखाई पड़ेंगे तब तो ये होश में आ सकते हैं, बाकी मुझे नहीं लगता कि होश आपको हम रोक सकते हैं। बस इतने में कहती हूँ अपनी बात। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।